हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं मिरेकल गार्डन पहुंच चुका हूं। अभी जस्ट एंटर किया मिरेकल गार्डन में। यहां पे मेरे को टिकट पड़ा विद टैक्स 95 ग्राम्स, जो कि इस तरीके का है। मैं आपको दिखाता हूं। ये तो अभी हम लोग देखते हैं मिरेकल गार्डन, जो कि बहुत ही फेमस है दुबई में। एक खास करके विंटर में ही ओपन होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे टाइम वगैरह स्पेंड करेंगे, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। चलिए, एकदम एंट्रेंस है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये ऐसे एंट्रेंस है, ये जस्ट स्टार्टिंग में। दुनिया का हर किस्म का फ्लावर वगैरह सब यहाँ आपको मिलेंगे। पूरा फ्लावर से बना हुआ है पूरा। ये पीछे आप देखते हैं, देख सकते हैं, एमिरेट्स का फ्लाइट है। ये देखिए, फ्लाई एमिरेट्स का फ्लाइट है। ये ओरिजिनल एयरक्राफ्ट का ऊपर ना फ्लावर से पूरा उसको मोल्ड कर दिया। यहाँ आपको माहौल बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। ये चारों तरफ फ्लावर वगैरह लगा हुआ है, तो उसका स्मेल भी बहुत ही खूबसूरत आता है, बहुत ही खूबसूरत। जब आप हेलो सर, तो आप यहाँ कैफेटेरिया वगैरह भी है, कैफेटेरिया को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये अपने तरीके का, मैं तो बहुत जगह में जा चुका हूँ, लेकिन ये अपने तरीके का एक बहुत ही बेहतरीन गार्डन है। अगर आप कभी विंटर में दुबई प्लान करते हो तो इसे इसे कभी मिस मत करना। ये देखने लायक है। यहाँ पे आपका आप ऑनलाइन भी बुक करके आ सकते हो और आके टिकट भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है आप कैसे क्या आते हो। अगर आप कोई पैकेज का थ्रू आते हो तो पैकेज में रह गई। तो एंजॉय करते रहिए, मैं दिखाते रहते। वाह वाह, इधर देखिए, ब्यूटीफुल। अभी वेदर भी बहुत ही मस्त है यहाँ, इसके वजह से। नहीं तो नॉर्मली यहाँ गर्मी बहुत हैवी गिरता है, अभी तो एकदम मस्त वेदर है। और आज सनी डे है। ये जो यूएई है, ये नॉर्मली एक रेगिस्तान से भरा हुआ देश था, पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान। आज देखिए, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, पर आदमी को सिर्फ लगन चाहिए और मेहनत, ये दोनों चीज अगर आदमी का पास आ गया ना, आदमी कुछ भी कर सकता है। आप देखिए, रेगिस्तान का बीचों बीच एक फूलों से भरा मतलब गार्डन, क्या बहुत ही बड़ा गार्डन है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा गार्डन है, एकदम फूलों से भरा, बेहतरीन बेहतरीन किस्म के फूल। कितने का तो हम नाम भी नहीं जानते। दुनिया का हर लगभग हर देश से मंगवाया गया है यहाँ।
दोस्तों मिरेकल गार्डन के इधर ही हम लोग अभी डिज्नी वर्ल्ड का टाइप का बना हुआ है, वर्ल्ड डिज्नी का, तो चलिए वो भी देखते हैं। तो बहुत ही लाजवाब जगह है, अगर कोई फ्लावर लवर है या कोई फ्लावर लवर ना भी हो तो मतलब जो दुबई आए विंटर में आए तो यहाँ तो 100% रिकमेंडेड है, ये मिस ना करें। अब देखिए कैफेटेरिया है जो कि अम्ब्रेला थीम पर बना हुआ है, पूरा अम्ब्रेला ही अम्ब्रेला से भरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत देखने लायक। देखिए साथ में और एक